तो अभी हम दीपक भाई के पास पॉडकास्ट शूट करने के लिए आए हुए हैं, द रियल वन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम लोग ये शॉप में आए हुए थे जिया के दूल्हे के लिए कुछ कपड़ा देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों, फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई और मैं नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आज सुबह से ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैं टक्कू के साथ घूमने के लिए आया हुआ हूँ, अपना पुराना रूटीन के जैसा। देखो ये सेठ जी घूम रहे हैं और मैं इसे घुमाने के बाद ऊपर जाके फटाफट तैयार हूँ क्योंकि जाना है अंधेरी और वहाँ पे कुछ मीटिंग्स है, कुछ काम है, थोड़ा घूमना है, जिया की शादी की शॉपिंग भी करना है। तो सब कुछ निपटेगा आज, बहुत अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग देखने में, जुड़े रहो। देखो ये जो रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? मुझे तो लग रहा है ये सांप है, और यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि कई सारे हैं, बहुत सारे हैं यार यहाँ पे मरे हुए पूरे रास्ते में। ये देखो, ये है। कहाँ गए टक्कू, अपन सांपों की दुनिया में आ गए। चल 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 बाहर निकलते, कुचल के मर गए हैं पता है। तो हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं हम लोग अंधेरी जाने के लिए। जिया भी रेडी हो गई है और मैं आधा रेडी हुआ हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, इसलिए मैंने सोचा जो जैकेट वाली बात है, जैकेट मैं अंधेरी में उतर के ही पहनूंगा डायरेक्टली अभी, या फिर जहाँ पर ऐसा लगेगा कि पहनना चाहिए वहीं पहनूंगा। क्या बोल रही हो? मैं घाट के ऊपर जाके उतार दूंगी जैकेट और मैं घाट के ऊपर जाके पहन लूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन बाइक से ही निकल जाते तुम्हारे घर तक, हाल तो टाइम होगा। आंटी को फोन करके रखो तुम अपना काम करने के लिए, है ना? बाइक से निकल जाते अपन। तो हम लोग ट्रेन में भाग भाग के चढ़ चुके हैं, निकलने वाले थे हम लोग, कंफ्यूज थे कि इस प्लेटफॉर्म में रुकें या फिर यहाँ पर आ जाएं क्योंकि ये ट्रेन थोड़ी स्लो वाली है और फास्ट आने वाली, लेकिन पता चला कि फास्ट वाली 10 से 15 मिनट लेट है। सारी ट्रेन ऐसी भागम भागी करके ही पकड़ने की नौबत आ रही है कि नहीं नहीं भागम भागी नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रेन जस्ट आई है, आओ जल्दी, रैंप करते हुए आ रही हो। अरे खड़े रहना पड़ेगा, बात वो है, टाइम का वो नहीं है। हाल तो ये बंद हो गया, बताओ अभी। अब खड़े, मैं पहुंच गया होता मैं तुम्हारे लिए नहीं रुकता, तो नहीं वैसे भी जाके कोई फायदा नहीं था, भरी हुई है ट्रेन पूरी, खड़े खड़े जाना पड़ता, चले गए होता मैं आराम से, लेकिन भर गई थी ना और तुम्हारे लिए रुका भी मैं, थोड़ा आगे सेंटर में खड़े रहते थे। तो हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं और अपने सही टाइम पर चल रहे हैं अभी, मतलब 3-4 स्टेशन मेट्रो क्रॉस कर चुकी है और यहाँ पर बैठने के बाद अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा, नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी ना लोकल में, इतनी गर्मी, अभी थोड़ा बेटर है लेकिन फिर बाहर जाके गर्मी हो गया ना। हाँ, लेकिन उतनी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे ना, तो बाहर हाँ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं। और फिर स्टूडियो में पहुँच जाएंगे, एक्चुअली हम एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए जा रहे हैं द रियल वन के साथ, जो हॉरर वीडियोज़ बनाते हैं द रियल वन वाले, अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है, आपको भी दिखाते हैं सारा माहौल पॉडकास्ट में, क्या हम बात कर रहे हैं क्या नहीं, बिहाइंड द सीन्स मतलब हम दिखाएंगे। और पूरा पॉडकास्ट आपको देखना है तो उनके द रियल वन चैनल पे ही देखना होगा। माइक को ऐसा रख के इसलिए बोलना पड़ रहा था क्योंकि ये पता नहीं सही से कैप्चर कर रहा होगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं अभी, शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ है ना मेट्रो में और चल भी रही है, तो अभी देखते हैं कैसा कैप्चर कर रहा है, कैमरे की क्वालिटी, कैमरा बोल रहा हूँ, माइक की क्वालिटी क्या है एक्चुअल, अभी तो पता चलेगी। अगर इसको लगाने के बाद भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है तो फिर मतलब क्या। अभी हाँ अब सुनते हैं, हॉरर पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं बिल्कुल हॉरर वाले इलाके से गुजर के। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है ना यहाँ पे? नहीं लिफ्ट थी, लेकिन लिफ्ट में शायद काम चल रहा है तो हम लोग ऐसे ही आ गए। ये देखो ये भूतिया लिफ्ट आराम आराम से अभी आई है, ऐसा खोलना किधर पकड़ के, अच्छा इधर पकड़ के, ये तरफ खोलना होगा। हाँ देखो नीचे इसको बंद, ये देखो ये धीरे धीरे ऊपर आ गई, डरावना एकदम। और ये देखो नीचे, ये नीचे भी इतना खतरनाक स्पेस है। अच्छा टाइम की बिल्डिंग ऐसे ही होता था। हाँ ये स्कैरी माहौल। तो अभी हम दीपक भाई के पास पॉडकास्ट शूट करने के लिए आए हुए हैं, द रियल वन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और यहाँ पे हम लोगों की बहुत बढ़िया से बात हुई हमारा शूट स्टार्ट होने से पहले।
फ्रेमिंग लग रही है, प्रॉपर सेटअप हो रहा है, इसके बाद माइक सेटअप हो जाएंगे और हम लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा पॉइंटर बना लिए, मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं मेरे पास बात करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत होने वाला है, अभी सब कुछ तो बताऊंगा नहीं। आप लोग द रियल वन चैनल में ज़रूर हमारा ये पॉडकास्ट देखना, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी जो मैंने आज तक अपने चैनल पर या किसी और के चैनल पर कभी डिस्कस नहीं किया हूँ। इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आएगा। तो भाई के साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया, ढेर सारी दुनिया भर की बात की है। और भाई का भी एक और पॉडकास्ट है स्पिरिचुअल वे में, है ना। तो अब तो हमारा निकलने का वक्त आ गया, लेकिन आप कभी बिना पॉडकास्ट के भी ऐसे भी आओ तो भी फोन करो, अपन जरूर मिलेंगे। बढ़िया, है ना, आपको मुंबई घुमाएंगे। हाँ, आपको घुमाएंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया नहीं घूमे। कल घुमाऊं थोड़ी सी देर। हाँ, मन नहीं है मेरा घूमने। हाँ, बाय मेट्रो घुमाएंगे, मेट्रो, दिल्ली वाली मेट्रो नहीं है यहाँ पे, दिल्ली की मेट्रो बन के भी खराब हो गई, यहाँ पे अभी नई नई बनी है, बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा। चलो बिल्कुल, मिलते हैं अपन, है ना, बाय। चलो ओके ओके, ठीक है, चलो बाय बाय। तो भाई हम लोग अपना पॉडकास्ट कंप्लीट करके ऑटो में सवार हो गए हैं और जा रहे हैं मलाड स्टेशन की तरफ, जहाँ पर जिया का लहंगा बुक हुआ था, शादी का लहंगा, वो लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हम मलाड स्टेशन पहुँच के सबसे पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी खाने की बहुत फेवरेट फेवरेट दुकानें हैं। जब हम मलाड में रहते थे तो बहुत सारी दुकानों से खरीद खरीद के कुछ ना कुछ खाते थे, तो वहाँ से खा पी के फिर हमारी शॉपिंग वगैरह शुरू करेंगे। यार वो लहंगा लिए हुए इतना दिन हो गया है, बुक किए हुए, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देंगे, ऐसे कैसे देंगे, वो रिसिप्ट दिया है ना, और ऑनलाइन भी रहता है, और वीडियो नहीं बनाया क्या अपन ने? नहीं, वीडियो तो उनके पास होगा कि नहीं होगा? अभी होगा, वो अपना स्पेशली पैसे लेके रखे हैं तो रखे ही होंगे ना। बहुत दिन हमने लगा दिए, पता चले आज बोल दे कि कल आना या दो दिन बाद आना, तो फिर नहीं नहीं, वो अपना पैसे लिया तो अपने स्पेशली पैक करके रखे ही होंगे। तो हम लोग ये शॉप में आए हुए थे जिया के दूल्हे के लिए कुछ कपड़ा देखने के लिए, कि उसको बता दे यहाँ पे मिल सकता है, है ना। हाँ। ले तो अभी सकते नहीं है। हाँ। बस खाली दिखा दे, बस खाली दिखा दे। और कैमरे में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि ये याद रहे कि यहाँ पे आके लेना है, जो भी ब्लॉग देखे। हाँ। एक बार वहाँ पर भी देख लेते हैं। वहाँ पे एक और शॉप है आगे, वहाँ पे भी देख लेते हैं। तो भाई हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे मेरी कितनी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। और फिर हमारी एक फ्रेंड आने वाली है, उसके आते तक हम यहाँ पर खाएंगे पिएंगे। अभी एक एक चीज़ ऑर्डर की है, फ्रेंकी फ्रेंकी ऑर्डर कर दिए हैं, शेजवान चीज़ फ्रेंकी, और फिर उसके बाद कुछ और ऑर्डर करेंगे, देखते हैं। इडली मिलेगी क्या यहाँ पर? सांभर इडली बड़ा मिलेगा, इडली बड़ा करेंगे इसके बाद। नहीं, मैं तो पहले इडली खा रही हूँ, रोज इडली खा रही हूँ। मैं खाऊंगा इडली, मेरे को इडली और वड़ा बहुत पसंद, जहाँ मिलता है मैं मौका नहीं छोड़ता। तुमको ये और दूसरी चीज चूज कर लेना, तुमको जो खाना होगा चूज करती हूँ, दाबेली या कुछ और देखती हूँ। हाँ, तुम देख लेना, मैं तो इडली वड़ा खाऊंगा, क्योंकि मुझे दाबेली भी पसंद है, मुंबई का जो फेमस है दाबेली वड़ा पाव, ये सबसे मुझे पसंद है देखा जाए तो। और मैं फ्रेंकी और सैंडविच में कभी वो नहीं हो सकती, और पिज्जा से भी बहुत किस्म में ऐसा हो रहा है आजकल, मुझे पसंद नहीं आ रहा सारे पिज्जा, इसलिए बोर हो रही थोड़ी बहुत। अभी हमारी फ्रेंकी बन रही है, लेकिन जब तक हमने एक चाय और एक कॉफी ऑर्डर कर दी है, मैं चाय लवर बन गया हूँ, और हमेशा से कॉफी लवर रही है। अभी चाय कॉफी का, क्योंकि थोड़ा सिर भी दुख रहा है, तो सही हो जाएगा। हाँ, बात जो इतना कर लिए हैं, बोल जो इतना लिए हैं, इतना पच्चर 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 बोलते हैं हम कि हमारा सिर दुख ही जाता है। हाँ। लेकिन तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें बोलना बंद नहीं करते हैं, हमारा ऐसा ही है, भले हमारा सिर दुख जाए, सिर फट जाए, लेकिन बोलना बंद नहीं करेंगे। और खास करके मेरा मुँह तो बंद ही नहीं होता, और जहाँ पे कम बोल रही वहाँ पे लगता है कम क्यों बोल, थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकती थी। तो आ चुका है हमारा फ्रेंकी, और जिया मस्त खाना शुरू कर दी है, और मेरी चाय आ गई है, जिया की कॉफ़ी नहीं आई है। अब जिया ललचेगी, मैं अपना फ्रेंकी, और अपनी चाय। चाय भी ठीक है, अच्छा है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर जब मलाड में रहते थे ना, बहुत खाते पीते थे, लेकिन बाहर खड़े होके कई साल तक खाए हैं, आज पहली बार जब मलाड में नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, ये तो वो वहाँ पे बाहर खड़े होके खाते थे। तो ये आ गया है भाई हमारा इडली और मेंदू वड़ा मिक्स, ये मेरा फेवरेट डिश है, फेवरेट मोस्ट कम्फर्ट और मोस्ट फेवरेट डिश है मेरा।
हो, जिस किसी को भी जानना हो तो जान लो भाई, कभी मैं मिलूँ तो मुझे खिलाना। और मैं चटनी ट्राई करती हूँ। वाह क्या था। अरे रे माइक है, शिट गया ना, क्या हुआ ये? गया खत्म ना? नहीं नहीं नहीं, इशू है यहाँ पर यार, निपट गया क्या पूरा? ये इडली के साथ डिप मार दिया उसने अभी, मालूम नहीं जिंदा है कि निपट गया, भगवान जाने। और ज्यादा यूज भी नहीं किया था, नया नया था यार बिल्कुल। हाँ यार बहुत कम यूज हुआ है। तुम्हारे पास कोई पिन विन है क्या? नहीं। इसके अंदर मसाला चले गए। इयररिंग निकालो क्या? निकालो। रुको रुको, हो रहा है हो रहा है साफ, हो रहा है हो रहा है। ज्यादा यूज नहीं हुआ था पता है। हाँ। ये कैसे एकदम झटका मार के निकला दिमाग से? कसाब से तुमने ऐसे गिराया और सीधा उसी में टिप हुआ। मैंने हाथ भी नहीं लगाया कुछ नहीं, ऑटोमेटिक निकला है। बहुत लूज, तुमने लूज लगाया था शायद। ये कौन सा स्टाइल है भाई? और मैं सोच रहा हूँ ये क्या के गिरा। अब टेस्ट करते हैं ठीक है। हाँ ये लगाओ इसमें। अब देखो ये मैंने लगाया हूँ, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं, देखते हैं। खा के देखें क्या? खाने के बाद समझ में आएगा क्या आवाज का? देखो अभी देखो आवाज आ रही है क्या? अच्छा खाऊंगा तभी बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं। चलो अच्छा है, नहीं निपटी है, बच गई है। बच गया एकदम डिप मार था यार इसमें इडली के साथ। और मैंने बोली ये क्या माइक गिरा तुमने? हाँ मैं सोचा ये क्या गिर गया, माइक तो लगा हुआ है। हाँ मैं टेंशन में आ गया। और मेरे को बोलना था रिसीवर गिर गया है। यहाँ पर हम लोग दुकान में देखना है जिया की शादी के लिए ज्वेलरी, और एक ये वाली देख रहे हैं, और उसके साथ ये वाली जो है ये मुझे ठीक लगी है, लहंगे के हिसाब से मैचिंग। तो इधर एक बार इसका लुक दिखा दो, फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे ये है। ये सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? नहीं इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड में जाते तो अच्छा रहता, ये सिल्वर है ना, ये थोड़ा ठीक लगा है मुझे। ये इसको ऐसा करो, इसमें मांग टीका ये नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा और पूरा सेट आएगा। लेकिन ऊपर चढ़ नहीं रहेगा। हाँ चढ़ता होगा ना, इसका नोट छेड़ा पीछे। तो भैया मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और अपनी मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और जिया की शादी की शॉपिंग करने में इतना टाइम लग गया कि देखो ये एक बैग है, ये दूसरा झोला है, लेकिन इसमें पूरी ज्वेलरी है, इसमें लहंगा है, मेरे बैग में भी कुछ कुछ है। तो ढेर सारी शॉपिंग हो गई जो आपको आज नहीं दिखाएंगे, आपको देखने को मिलेगी जिया की शादी में, वो खुद पहनी रहेगी जब, तभी तो सरप्राइज लुक जैसा कुछ होगा। नींद क्यों आने लगी? बोर हो गई क्या शॉपिंग करते करते? अभी जिया बोल रही है कि जितनी चीज़ मैंने खरीदी यार मैं उससे अपसेट हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हारे मन में एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुमको अभी। हाँ। कि अब क्या होगा वो वाली, जैसे अपना घर बन रहा था। हाँ। तुम घर को लेके बोलती थी यार अब अच्छा नहीं लग रहा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये वैसा ये वैसा है। जब कंप्लीट बन गया और वही चीज जिसको बोलती थी अच्छा लग रहा है वही बोलती अच्छा लग रहा है, तो वही है मेरे साथ ऐसे ही होता है। और जो चीजें नजदीक होने लगती है, जैसे शादी का टाइम नजदीक हो रहा है, तो मुझे हर चीज गंदी लग रही है। हर चीज गंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये कपड़ा अच्छा नहीं है। साड़ियाँ भी अब गंदी लग रही है, जितनी भी साड़ियाँ अपने पसंद से खरीदी हूँ वो सब साड़ी, जो लहंगा अपने पसंद से खरीदी वो भी गंदे लग रहे हैं, ज्वेलरी खरीदी वो भी गंदे। ऐसा ही होता ही है, होता ही है। तुमको अपने दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा कि ये तो मैंने अच्छा लियो। खैर ये सब तो होता ही रहता है, जितना नजदीक आएगा उतना चलता रहेगा दिमाग में, ये अच्छा ये बुरा ये बुरा ये अच्छा, ऐसा चलते रहेगा। बाकी अभी हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और वीडियो रुके नहीं, जिया का आज ब्लॉग गया, मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया। एंड ठीक है, मेरा ब्लॉग का ऐसा उतार चढ़ाव आज तक था, अब कल से शायद कुछ काम नहीं है आने वाले कुछ समय तक, जब तक दिवाली नहीं आ जाती मैं फुल टू फ्री हूँ। अभी सिर्फ काम होगा, मूवी दिखाई होगी और कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग मेट्रो में बैठते हैं, फिर बात करता हूँ। बोल रहा अपने सिंधी में, अरे करने दो ना यार, कर लेंगे, हो जाएगा उतने में कर लेंगे, ऐसे बोल रहा था। हाँ ऐसा बोल रहा था, उसी ने फिर नाटक करी और वो भी तुम्हारी बातें सुन के 100% शर्त लगा ली। तो हमारी लोकल ट्रेन भी आ चुकी है, इसमें सवार होके हमको फाइनली अपने घर के लिए निकलना है। सही जगह पे खड़े है कि नहीं? वैसे सही जगह ही खड़े हो गए, यही आएगी है ना, यही यहीं पे फर्स्ट क्लास आएगी कि नहीं ये बोल रहा हूँ। आगे निकली है फर्स्ट क्लास, एक गई है आगे यार, और आना तो चाहिए, आएगी अभी, बहुत देर हो गया आए हुए। उठा लो सामान, उठा लो, ये गई, ये है और ये भी है।
ये भी है, ये भी है। तो भाई जिया देखो मस्त खाली हाथ बैठी हुई है, मैं इतना सारा सामान लेकर बोझा टांग कर घर की तरफ जा रहा हूँ। इस वीडियो को खत्म करने का भी वक्त आ गया है, अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और अगले ब्लॉग में जरूर मिलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।